सब्सक्राइब करें हमारे आयुर्वेदिक उपचार चैनल को और बेल आइकन को दबा दें हमारे नए अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेदिक उपचार चैनल में। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं बैद्यनाथ कंपनी द्वारा बनाई गई अभयहरित सिरप का। जी हाँ दोस्तों, आज हम विस्तार से जानेंगे कि अभयहरित का हमने किन किन रोगों में उपयोग करना है, इसका सेवन कैसे करना है और यह औषधि किन किन चीज़ों को मिलाकर बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लाभ की। दोस्तों, अभयहरित का उपयोग साधारण रेचक और पाचक तथा कब्जियत को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त हर प्रकार के बवासीर, उदर रोग, मंदाग्नि, मूत्राघात, यकृत, गुल्म और अधरोग का नाश करता है। जी हाँ दोस्तों, ये जमाल गोटे की तरह रेचक नहीं है। जमाल गोटे से जो दस्त होता है, यानी कि जो रेचक होते हैं, उसमें आंतों की क्रिया स्थिर यानी कि निर्बल हो जाती है। उससे विरेचन के बाद आंतों में दोबारा मल संचय होता है, जिसके कारण उससे दूषित गैस उत्पन्न होता है, अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। अभयहरित द्वारा जो दस्त होता है, उसमें आंतें कमजोर ना होकर और मजबूत बनती है, जिसके कारण दूषित मल का संचय नहीं होता है। इसका उपयोग विशेषकर आर्ष यानी कि बवासीर के रोग में किया जाता है। बवासीर बहुत ही परेशान करने वाली बीमारी है। इससे मसों में दर्द बहुत जोर से होता है। इस दर्द को शांत करने के लिए अर्ष कुठार रस, बोलबद रस, कामदूधा रस, सुरन बटक एक दवा का सेवन करने के बाद जब दर्द का जोर कम हो जाए, तब अभयहरित के सेवन से बहुत फायदा होता है, क्योंकि बवासीर में दस्त कब्ज हो जाना मुख्य लक्षण होता है। दस्त या फिर कब्ज होने पर या फिर जोर लगाने पर और भी ज़्यादा दर्द होता है। जी हाँ दोस्तों, ये उस कब्जियत को बहुत जल्दी दूर कर देता है, साथ ही सूजन को भी दूर करता है। बवासीर का संदेह होते ही अथवा शुरुआती अवस्था में दर्द होने से पहले ही यदि अभयहरित का सेवन करा दिया जाए, तो यह रोग आगे बढ़ने से रुक जाएगा। उदर रोग में मंदाग्नि बहुत भयंकर और दुखदायी होती है। यदि मंदाग्नि के कारण मल संचय होकर दस्त यानी कि कब्ज हो जाए, तो इच्छा भेदी अश्वकुंज की आदि दवा का उपयोग करना चाहिए, परंतु इनमें जमाल गोटे का मिश्रण होने से कुछ हानि होने का भी डर रहता है। इसलिए अभयहरित के बराबर कुमार्यासव मिलाकर लेने से बहुत जल्दी फायदा होता है। ये मल और मूत्र दोनों को साफ करता है। इसके सेवन से दोस्तों अग्नि यानी कि जठरानी को बढ़ावा मिलता है, उदर के रोग को नष्ट करता है और पाचक रस की उत्पत्ति करता है, और दोस्तों साथ ही अन्न को भी बचाने में शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर इसके घटक की बात करें तो इसमें बड़ी हरे, मुनक्का, महुए के फूल, वायुविडंग इत्यादि का मिश्रण है। दोस्तों, अगर इसके सेवन विधि की बात करें तो 3 ढक्कन दवा और 3 ढक्कन पानी समान मात्रा में मिलाकर सुबह शाम भोजन से आधा घंटा बाद इसका सेवन करना बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाती है। तो दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।